आप लोग देख सकते हैं मूर्ति यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है। अभी काम सजाने का चल रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है दुर्गा जी को। और ये यहाँ बहुत सारे दुर्गा जी बनी थी, हम लोग थोड़ा लेट से पहुँचे हैं, नहीं तो और भी देखने को मिलता। फिर भी चलिए जितना बचा है उतना आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दुर्गा जी को कितना सुंदर साड़ी से सजाया गया है। बगल में लड़के लोग भी हैं जो मूर्ति को देखने आए हैं, देखिए जो बनाते हैं मूर्ति को सजाने के काम में लगे हुए हैं। माला ये आप लोग देख सकते हैं निकाल रहे हैं, मूर्ति को माला पहनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मूर्ति को सजाने का काम स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। मूर्ति का गेट तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को अंदर ले चलते हैं, शुरुआत से दिखाते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारा जगह खाली हो चुका है, बहुत जगह की मूर्ति तो यहाँ से चला गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है, ये हमको दृश्य बहुत अच्छा लगा तो इसलिए सोचे कि इसमें डाल दें। ये आप लोग देख सकते हैं कि दुर्गा जी को कितना सुंदर से सजाया जा रहा है, देखिए कितना अच्छा दिख रही हैं, पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ये सरस्वती जी हैं जो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी देखने में अच्छी लग रही हैं। प्रतिमा में इन साल से गोरख प्रजापति के जो लड़के हैं बना रहे हैं, ये देख सकते हैं गोरख प्रजापति हैं जो आप इनको बहुत पहले से चिंते होंगे। ये बच्चा भी अभी सीख रहा है इस फैक्ट्री में, अभी देख सकते हैं बुद्ध से मतलब राक्षस इसके बराबर में फेल कर दिया गया। देखिए आप ये राक्षस भी कितना सुंदर दिख रहा है, लग रहा है कि कितना प्यारा है मूर्ति में, तो ये पूरी तरह से मासूम दिख रहा है, भले ये फ्यूचर में कितना भी निखार हो। देख सकते हैं आप लोग दुर्गा जी को जा चुका है, थोड़े बहुत जो सजावट बाकी है थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग बाघ लग रहा है कि कितना खूंखार है, इससे कमी रियल में जो शेर होते हैं वो खूंखार होंगे, उससे वैसे खूंखार ये मिट्टी का शेर दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं दुर्गा जी की मूर्ति कितना एकदम सुंदर से बनाया गया है और सजाया गया है। ये देखिए ऊपर से लेकर राक्षस से लेकर शेर तक दुर्गा जी की मूर्ति तक कितना एकदम सुंदर बनाया गया है। आप लोग भी देखते हैं अगर फेस से टू फेस तो लगता है कि हाँ बिना कोई सजावट कितना बेस्ट दिख रहा है, देख लीजिए सरस्वती जी हैं। और कहीं दूसरा तो ना दें, नसरीगंज के एरिया में सबसे टॉपर है यहाँ भी, ठीक है। हेलो चल आप लोग देख सकते हैं जो अब क्या हो दे, अभी कितना देरी टाइम बा, अभी आज तू कहीं कब लगिलो बकवाता ए बेटू भैया, हम मारा तो नहीं भैया, अरे बंदे हमार गए करो ये जाते नहीं भूखा सा हमार, अब ये देख से नहीं मर देता ला रावा साहब जी। और मूर्ति यहाँ से चला गया है, और ये तो आधी मूर्ति बचा हुआ है सिर्फ, आप देख सकते हैं।
आइए पहले आपको दिखा देते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। इसके बाद में आपको मूर्तिकार से आपको भेंट कराएंगे। साइड दीजिए, देखने दीजिए किस तरह का ये बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। वीडियो तो गाली चल जी नेट पर उजाई ना। अब देख सकते हैं कि साक्षात लग रहा है कि दुर्गा जी एकदम प्रकट हो गई हैं। बस अब बात करते हैं, देख लीजिए जो बनाते हैं उनसे किस तरह से ये बनाते हैं और इसके लिए कितने दिन का इनके पास एक्सपीरियंस है और इनका मूर्ति का केंद्र कहाँ है बनाने का। ये हमारे आप अपने मतलब कि मूर्ति का नाम बताइएगा, कौन सा गणेश का नाम है आपका? गणेश मूर्ति कलाकार चाहिए। नाम बताइए आपका कहाँ पे है? नितिन कुमार इसमें हाँ है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा से सजाया गया है और कितने मूर्ति का डिजाइन देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। कौन बात दोनों हमको हम सटा दे रहे हैं, सब सटा देंगे, लीला चमका ऐसे रहे हैं ना। हाँ बात करते हैं लीला चमका देंगे जो मूर्ति बनाया है उनसे। आओ दीदी आप देख सकते हैं मूर्ति है ना, आप देख सकते हैं कितना मूर्ति पर बनाया गया है, कितना अच्छा से बनाया गया है। आप डिजाइन भी देख सकते हैं, सजा दिया गया है, कपड़ा पहना दिया गया है, कितना बेस्ट कलाकारी किया गया है। आपको आप लोगों को जब भी यहाँ पर मूर्ति बनाना हो यहाँ पे आके संपर्क करें। आइए हम बात करते हैं जो मूर्ति बनाते हैं इनसे, बताइएगा जरा आपके बारे में, बताइए जरा अपने बारे में। कुंठार नाम हो बताओ। हमारा नाम पड़ेगा अजीत कुमार, इटमा के रहने वाले हैं। डेरी बनाया जाता है, मूर्ति का काम करते हैं, वहीं से हम लोग सीखे हैं। डेरी दिनेश पीछे से ऐसे मतलब थोड़ा सा धराओ किसी तरह धराओ 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 कौन वाला भाई वाला का है ना। हां देखिए जी कोई कुदारी हो ले लेंगे गा लाइव आप लोग मीडिया का हां बोल मीडिया हम लोग बात होने अरे बोला तो अरे सब मीडिया का इधर करी मीडिया का जा देख रहा वही वाला। आप देख सकते हैं चोखा भैया को कितना बहुत बेटर एक्सपीरियंस दे रहे हैं।